Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to translate a story, and this is a love story, friends. आज के इस वीडियो में हम एक लव स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे. इमोशंस से भरा हुआ है. फ्रेंड्स, आप अपने लाइफ में बहुत सारे लव स्टोरीज सुने होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा और आप इस स्टोरी में खो जाएंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए वो क्या है स्टोरी, और ये भी सीखें कि इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है. फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं इस स्टोरी को ट्रांसलेट करूं, मैं आपको एक बात बता दूं. जैसा कि आप जानते हैं, मैं इंग्लिश ट्रिक से समझाता हूं. तो इस स्टोरी को कैसे ट्रांसलेट करना है, इसके लिए मैंने दो ट्रिक बनाया हुआ है. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में वो रूल्स बताया जिसकी मदद से आप इसको बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो अगर आप वो रूल्स नहीं जानते हैं तो आप पिछला वीडियोस देखिए ताकि आपको रूल्स पता चले. तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं. सबसे पहले लिखा हुआ है वंस अपॉन अ टाइम. फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है एक बार की बात है. हम लिखेंगे, यहां आप कॉमा देख सकते हैं तो आप यहां कॉमा दीजिए. अ रिच बॉय मींस एक अमीर लड़का. हो सकता है फ्रेंड्स कि आप सोचें कैसे आपको पता चलेगा कि अ रिच बॉय ही सबसे पहले लिखना है. तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स, यह आपका सब्जेक्ट है, और मैंने अपने पिछले वीडियो में जो रूल्स बताया, मैंने कहा था कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है. तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पर एक नाउन है बॉय, तो इसलिए यह हमारा सब्जेक्ट हुआ. हो सकता है आप सोचें कि अगर बॉय नाउन है यानी आपका सब्जेक्ट बॉय है, तो फिर आपने दो और वर्ड्स को जोड़कर क्यों लिखा. तो मैंने वहां यह भी बताया फ्रेंड्स कि अगर किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव या कोई आर्टिकल है तो हम उसको एक ही साथ लिखते हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड कि पहले आप उस वीडियो को देखिए जहां मैंने रूल्स बताए हैं, तभी जाकर आपको यह वीडियो समझ में आएगा. क्योंकि जब तक आपको रूल्स नहीं पता, आप कैसे जानेंगे कि यह कैसे ट्रांसलेट हो रहा है. अब हम पीछे चलेंगे और पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे. लास्ट में लिखा है अ विलेज, तो हम लिखेंगे एक गांव. और यहां लिखा है टू. कई बार टू का हिंदी अर्थ को होता है और इससे दिशा दिखाई जाती है, डायरेक्शन दिखाई जाती है. जैसे वह गांव को आया, यानी वह गांव की तरफ आया. यहां को से डायरेक्शन दिखाई जा रही है. वह बाजार को गया, यानी वह बाजार की तरफ गया. तो कई बार टू का हिंदी अर्थ को होता है और इसे डायरेक्शन दिखाई जाती है. मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जहां मैंने टू के सभी कंसेप्ट को बताया है. तो अगर आप टू में कंफ्यूज रहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके. टू के लिए हम लिखेंगे को, और वेंट का मतलब होता है गया, और ये ट्रांसलेट हो चुका है. अ रिच बॉय वेंट टू अ विलेज. एक अमीर लड़का एक गांव को गया. आप यहां देख सकते हैं यहां फुल स्टॉप है, इसलिए हम यहीं तक इसको ट्रांसलेट करेंगे. आगे है वेयर, जिसका मतलब होगा जहां. यहां वेयर एक कंजंक्शन है. आप सोचेंगे वेयर मींस तो कहां होता है, और मैंने यहां वेयर का हिंदी अर्थ जहां लिखा. ऐसा क्यों किया? तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि वेयर का दो अर्थ होता है, पहला कहां और दूसरा जहां. उसी तरीके से वेन का भी दो हिंदी अर्थ होता है, पहला कब और दूसरा जब. व्हाट का दो हिंदी अर्थ होता है, पहला क्या और दूसरा जो. तो फ्रेंड्स, वेयर का हिंदी कभी कहां और कभी जहां होता है. प्रश्नवाचक वाक्यों में वेयर का हिंदी अर्थ कहां होता है, और जब हम वेयर का यूज
दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं तो वहां वेयर का अर्थ जहां होता है। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां वेयर का यूज दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हुआ है, यानी पहला सेंटेंस यहां पे खत्म हुआ, दूसरा यहां स्टार्ट हुआ। तो यहां वेयर का यूज किसी प्रश्नवाचक वाक्य के लिए नहीं आया, बल्कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आया। आप यहां देख सकते हैं फुल स्टॉप है, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए आप क्लियरली समझ सकते हैं कि वेयर का हिंदी कहां नहीं बल्कि जहां होगा, क्योंकि यहां सवाल वाली कोई बात नहीं है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा कि वेयर का हिंदी कहां और जहां दोनों होता है। कैसे पता चलेगा कि यहां वेयर का यूज कहां के लिए हुआ है या जहां के लिए हुआ है? बाय गॉड, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा ट्रिक बताता हूं। फ्रेंड्स, अगर वेयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है, यानी कोई सहायक क्रिया आया है, तो आमतौर पर वहां वेयर का यूज क्वेश्चन वर्ड की तरह होता है। लेकिन जब वेयर का यूज एक कंजंक्शन के जैसे होता है, यानी जब वेयर का यूज जहां के अर्थ में होता है, तो वेयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। जैसे आप देखिए वेयर, अब यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इजारव नहीं है, वाजवर नहीं है, सेल्विल नहीं है, हैव हैज नहीं है, डूडज नहीं है। तो ये भी एक तरीका है जानने का कि कहीं वेयर लिखा है तो उसका मतलब कहां होगा कि जहां होगा। अगर कहीं विल लिखा है तो उसका मतलब कब होगा या जब। व्हाट लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा या जो। आइए फ्रेंड्स, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा है ही, और ही को हिंदी में कहते हैं वह, तो मैं लिखूंगा वह। पीछे आइए और यहाँ लिखा हुआ है अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक साथ जोड़कर लिखा जाएगा। हो सकता है आप सोचे कि एक साथ जोड़कर क्यों लिखा जाएगा, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार और कहूंगा कि अगर किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव या आर्टिकल आए हुए हैं तो उनको जोड़कर ही लिखा जाता है। यह मेरा ट्रिक है। तो हम लिखेंगे एक सुंदर लड़की, और आगे बढ़िए शा यानी देखा, यहां फुल स्टॉप है, आप भी दीजिए, और ये ट्रांसलेट हुआ ही सा अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो उसका हिंदी अर्थ होगा वह एक सुंदर लड़की देखा। जो वर्ड सबसे पहले था मैंने उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखा, फिर पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर गया। आइए फ्रेंड्स, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सीइंग दैट गर्ल, यानी सीइंग का मतलब होता है देखते ही या देखकर, दैट गर्ल का मतलब होता है उस लड़की को। तो ये पूरी बात हुई उस लड़की को देखते ही, यहां आप कॉमा देख सकते हैं, आप भी इसको कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। आइए फ्रेंड्स, अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा है द बॉय, हम लिखेंगे लड़का। पीछे आइए, यहां फुल स्टॉप देख सकते हैं, तो हम इतना ही ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस यहीं पर जाकर खत्म हो गया। दैट गर्ल यानी उस लड़की, विद मींस होता है से, और फ्रेंड्स यहां लिखा हुआ है फॉल इन लव, एक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्यार हो जाना या मोहब्बत हो जाना। तो ये लिखा हुआ है फेल, यानी ये फॉल का सेकेंड फॉर्म है, तो फेल इन लव का मतलब होगा कि प्यार हो गया या मोहब्बत हो गया। अब फ्रेंड्स इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा अजीब लगेगा, लड़का उस लड़की से प्यार हो गया, यानी अगर हम यहां अपने मन से को लिख लें तो इसे ठीक तरीके से पढ़ा जा सकता है, जैसे लड़का को उस लड़की से प्यार हो गया। यहां इस को के लिए कोई इसमें इंग्लिश वर्ड नहीं आया है, आप सेंस के अकॉर्डिंग को ने लिख सकते हैं। जैसे कहीं लिखा होता है सीता सेड, तो हम ये कहते हैं सीता कही, और हम ये भी कह सकते हैं सीता ने कहा। तो कई बार हिंदी सेंटेंसेस को सेंस के अकॉर्डिंग को या ने अपनी तरफ से लिखते हैं ताकि उस बात को शानदार तरीके से कह सकें। और ये ट्रांसलेट हो चुका है फ्रेंड्स। जो वर्ड सबसे पहले था उसका अंग्रेजी मैंने पहले लिखा, फिर पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आया। द बॉय फेल इन लव विद दैट गर्ल, इसका हिंदी अर्थ हुआ लड़के को उस लड़की से प्यार हो गया। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी क्या है। बहुत दिलचस्प कहानी है फ्रेंड्स, थोड़ा सब्र रखिए,
मुझे यकीन है कि इस लव स्टोरी को कभी आप भूल ना पाएंगे। आगे लिखा है द बॉय, हम लिखेंगे लड़का। आइए फ्रेंड्स पीछे आते हैं, यहाँ फुल स्टॉप दिख रहा है तो आप इसके पहले तक ही ट्रांसलेट करेंगे। दैट गर्ल यानी उस लड़की, तो यहाँ पर इसका हिंदी होगा से। मैरिज यानी शादी, मैं एक एक वर्ड का ट्रांसलेट करते हुए आगे की ओर आ रहा हूं। और एक वर्ड बच गया प्रपोज्ड, प्रस्ताव दिया। अब हम हिंदी वाले सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो को या ने अपने तरफ से लिखेंगे ताकि हम इसको एक सही सेंस दे सकें। लड़का ने उस लड़की से शादी का प्रस्ताव दिया। और फ्रेंड्स यहां तक ये ट्रांसलेट हो चुका है, आइए अब इसे ट्रांसलेट करें। सबसे पहले लिखा है द गर्ल यानी लड़की, पीछे आइए समथिंग यानी कुछ, थिंकिंग सोचना या सोचने, आफ्टर के बाद, रिफ्यूज्ड इनकार कर दी या मना कर दी। तो फ्रेंड्स मैं इसको रिपीट करूंगा, द गर्ल रिफ्यूज्ड आफ्टर थिंकिंग समथिंग, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ लड़की कुछ सोचने के बाद इनकार कर दी यानी मना कर दी। आइए फ्रेंड्स इस पर एक सरसरी नजर डालते हैं, उसके बाद इस स्टोरी के कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ रिच बॉय वेंट टू अ विलेज, एक अमीर लड़का एक गांव को गया, वेयर जहां He saw a beautiful girl, वह एक सुंदर लड़की देखा। Seeing that girl, उस लड़की को देखते ही the boy fell in love with that girl, लड़का को उस लड़की से प्यार हो गया। The boy proposed marriage to that girl, लड़का ने उस लड़की से शादी करने का प्रस्ताव दिया। The girl refused after thinking something, लड़की कुछ सोचने के बाद इनकार कर दी यानी शादी करने से मना कर दी। After some days मतलब कुछ दिनों बाद, आप यहाँ कॉमा देख सकते हैं, आप इसको सेपरेट कर दीजिए। The boy came to know the reason of her refusal, चलिए फ्रेंड्स इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा है द बॉय यानी लड़का, पीछे आइए हर रिफ्यूजल यानी उसके इनकार या उसकी इनकार, और थोड़ा आगे आइए आपको दिखेगा ऑफ, और ऑफ को हिंदी में कहते हैं की, और आगे आइए द रीजन यानी वजह या कारण, और आगे आइए यहाँ पर लिखा है कम टू नो। फ्रेंड्स कम टू नो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है पता चलना या मालूम पड़ना, और केम टू नो का मतलब होता है पता चला या मालूम हुआ, तो हम लिखेंगे मालूम हुआ। द बॉय केम टू नो द रीजन ऑफ हर रिफ्यूजल, अब फ्रेंड्स मैंने यह लिखा है लड़का उसकी इनकार की वजह मालूम हुआ, लेकिन इसका सेंस अच्छा से निकल सके इसलिए कई बार हमें अपने तरफ से को या का या ने लिखना होता है, तो मैं लिखूंगा लड़का को उसकी इनकार की वजह मालूम हुआ, यानी हमारा पूरा बात हुआ आफ्टर सम डेज कुछ दिनों बाद। द बॉय केम टू नो द रीजन ऑफ हर रिफ्यूजल, लड़के को उसकी इनकार की वजह मालूम हुआ। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा है सी यानी वह, आगे की ओर आइए रिफ्यूज्ड इनकार की थी या इनकार की, गुजरी हुई बात है, आप यहां सेकेंड फॉर्म का यूज देख सकते हैं। सी रिफ्यूज्ड वह इनकार की थी, यहां आपको एक कंजक्शन दिख रहा है बिकॉज यानी क्योंकि, आगे बढ़िए फ्रेंड्स अब इसको आप ट्रांसलेट कीजिए। सबसे पहले लिखा है सी और उसका हिंदी होगा वह, पीछे आइए अ पुअर फैमिली यानी एक गरीब परिवार, और यहां टू का हिंदी होगा से। बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना, और बिलोंग या पास्ट रूप है यानी गुजरी हुई बात है, तो बिलोंग का हिंदी होगा संबंध रखती थी या नाता रखती थी। शी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, वह एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी या नाता रखती थी। आइए फ्रेंड अब इसको ट्रांसलेट करें। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है
वही दूसरी तरफ आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें। सबसे पहले लिखा है द बॉय यानी लड़का, पीछे आइए अ रिच फैमिली यानी एक अमीर परिवार, टू का यहाँ हिंदी होगा से और बिलोंग का होगा नाता रखता था। ऑन द अदर हैंड वही दूसरी तरफ द बॉय बिलोंग टू अ रिच फैमिली, लड़का एक अमीर परिवार से नाता रखता था, कैसे ट्रांसलेट हुआ फ्रेंड्स? सबसे पहला वाला अंग्रेजी सबसे पहले लिखा, फिर पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आया। ये तीन वर्ड मैं एक साथ जोड़ा हूं क्योंकि इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है या उसके साथ कोई आर्टिकल है तो इन्हें एक ही साथ जोड़कर लिखा जाता है। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें। द बॉय वेंट टू हर होम, सबसे पहले लिखा है द बॉय, लिखेंगे लड़का, पीछे आइए हर होम उसके या उसकी, उसके घर, आगे लिखा है टू और यहाँ टू का सेंस है को। आप सोचेंगे अभी मैंने बोला टू का हिंदी से, अब बोल रहा टू का हिंदी को। फ्रेंड्स जब गो या वेंट या गॉन या गोइंग या गोज के बाद टू आता है तो यहाँ टू से डायरेक्शन दिखाई जाती है, दिशा दिखाई जाती है। आप मेरा टू वाला वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। और यहाँ डायरेक्शन दिखाई जा रही है वेंट गया, द बॉय वेंट टू हर होम, लड़का उसके घर को गया। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ लिखा है एंड, आप लिखिए और, सबसे पहले लिखा है ही, आप लिखेंगे वह, पीछे आइए हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, यहाँ टू का सेंस है से, टॉक्ड बात किया, ही टॉक्ड टू हर पेरेंट्स और वह उसके माता पिता से बात किया, यानी पूरा बात हुआ फ्रेंड्स द बॉय वेंट टू हर होम, लड़का उसके घर गया, एंड और ही टॉक्ड टू हर पेरेंट्स, वह उसके माता पिता से बात किया। आइए फ्रेंड्स इस लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। दे परस्यूडेड द गर्ल, परस्यूडेड का मतलब होता है फ्रेंड्स राजी कर लिए या मना लिए। दे यानी वे या वे लोग, पीछे आइए लिखा है द गर्ल यानी लड़की को और यहां लिखा हुआ है परस्यूडेड यानी राजी कर लिए या मना लिए। दे परस्यूडेड द गर्ल, वे लोग लड़की को मना लिए यानी लड़की को राजी कर लिए। फाइनली अंततः, सबसे पहले लिखा है शी यानी वह और एग्रीड का मतलब होता है मान गई या सहमत हो गई या राजी हो गई, वह मान गई। फाइनली अंततः सी एग्रीड, वह मान गई या वह राजी हो गई। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें। बोथ मैरिड टू ईच अदर, सबसे पहले लिखा है बोथ, इसका हिंदी होगा दोनों, पीछे आइए ईच अदर का मतलब होता है फ्रेंड्स एक दूसरे से, एक दूसरे से और आगे लिखा है मैरिड यानी शादी कर लिए। बोथ मैरिड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से शादी कर लिए। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। दे यानी वे, पीछे आइए गुड डेज अच्छे दिन, यहाँ लिखा है पासिंग। फ्रेंड्स पास का मतलब होता है गुजारना लेकिन जब वर्ब में आईएनजी लगा होता है तो हिंदी अर्थ होता है रहा रही, तो हम लिखेंगे गुजार रहे और आगे बढ़िए आपको दिखेगा वर्ब यानी थे। दे वर पासिंग गुड डेज, वे अच्छे दिन गुजार रहे थे। आइए फ्रेंड्स अब कहानी को एक नया मोड़ दें, अब कुछ इमोशन वाले सीन देखें। बट लेकिन द नेचर कुड नॉट टॉलरेट दिस थिंग, कुदरत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी, सहन नहीं कर सकी। सबसे पहले लिखा है द नेचर, हम लिखेंगे प्रकृति या कुदरत, पीछे आइए दिस थिंग इस बात को, टॉलरेट बर्दाश्त करना या सहना और
नॉट का मतलब होता है फ्रेंड्स नहीं, और कुड का मतलब होता है सका, लेकिन हम लिखेंगे कर सकी, यानी टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना। बट द नेचर कुड नॉट टॉलरेट दिस थिंग, लेकिन कुदरत इस बात को सहन नहीं कर सकी, या प्रकृति इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी, यानी कुदरत को उनका प्यार देखा नहीं गया। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, यहाँ फुल स्टॉप देख सकते हैं इसलिए हम इसको इतना ही ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले लिखा है द गर्ल, लड़की, पीछे से आगे की ओर आइए, सिक मिस होता है बीमार, गॉट का मतलब होता है पड़ जाना, यानी गेट सिक का मतलब होता है बीमार हो जाना या बीमार पड़ जाना। चूंकि यहाँ गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट लिखा है तो हम भी गुजरी हुई बात कहेंगे, यानी हम कहेंगे बीमार पड़ गई, द गर्ल गॉट सिक, लड़की बीमार पड़ गई। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले लिखा है सी, हम लिखेंगे वह, पीछे चलिए स्किन डिजीज यानी चर्म रोग, फ्रॉम का मतलब होता है से, और सफर्ड का मतलब होता है पीड़ित हो गई, आप यहाँ सेकेंड फॉर्म देख सकते हैं। सी सफर्ड फ्रॉम स्किन डिजीज, वह चर्म रोग से पीड़ित हो गई। आइए फ्रेंड्स इस लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। नाउ अब She was becoming ugly every passing days. आइए फ्रेंड्स इसको ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले लिखा है she यानी वह, पीछे आइए every passing days यानी प्रत्येक गुजरते दिन या हर गुजरते दिन, ugly बदसूरत या कुरूप, becoming हो रही, और was को कहते हैं थी। She was becoming ugly every passing days. वह हर गुजरते दिन बदसूरत हो रही थी, और ये ट्रांसलेट हो चुका है। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें, सी वाज सीरियसली सैड, इसको कैसे करेंगे, जो वर्ड सबसे पहले है उसका हिंदी सबसे पहले लिखेंगे, जो वर्ड दूसरे नंबर पर है उसका हिंदी आप तीसरे नंबर पर लिखेंगे, और उसके बाद जो वर्ड्स हैं उसका अंग्रेजी आप दूसरे नंबर पर लिखेंगे। ये बात आपके लिए नया नहीं है, मैं पिछले कई वीडियोज में आपको ये बात बता चुका हूँ। शी को कहेंगे वह, सीरियसली सैड बहुत दुखी, और वाज मतलब थी, शी वाज सीरियसली सैड वह बहुत दुखी थी। आइए अब इसे ट्रांसलेट करें, शी यानी वह, कंसीडर्ड, कंसीडर का मतलब होता है मान ली या सोच ली, शी कंसीडर्ड वह मान ली दैट की। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें, सबसे पहले लिखा है हर हस्बैंड, उसका पति। अगर आपको ये चीज समझने में थोड़ा भी दिक्कत हो रही है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जो मैंने रूल बताया हुआ है उसे देखिए, ताकि आपको क्लियरली पता चल सके। हर हस्बैंड उसका पति, पीछे आइए हर यानी उसे, लविंग यानी प्यार करना, स्टॉप छोड़ देना या बंद करना, विल, विल का मतलब होता है गा गी गे, तो हम लिखेंगे छोड़ देगा या बंद कर देगा। हर हस्बैंड विल स्टॉप लविंग हर, उसका पति उसे प्यार करना छोड़ देगा या प्यार करना बंद कर देगा। सी नेचर ऑपरेशन, सी का मतलब देखो, नेचर का मतलब कुदरत, अपोस्ट्रोफीस का मतलब होता है का, और ऑपरेशन का मतलब होता है जुल्म या सितम, तो आप इसे कह सकते हैं जरा कुदरत का जुल्म देखिए, सी नेचर्स ऑपरेशन जरा कुदरत का जुल्म देखिए। यहाँ लिखा हुआ है हर हस्बैंड गॉट इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट, सबसे पहले लिखा है हर हस्बैंड, हम लिखेंगे उसका पति, इन अ कार एक्सीडेंट एक कार दुर्घटना में, गॉट इंजर्ड, गेट इंजर्ड का मतलब होता है जख्मी हो जाना, और गॉट इंजर्ड का मतलब होता है जख्मी हो गया या घायल हो गया। हर हस्बैंड गॉट इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट, उसका पति एक कार दुर्घटना में जख्मी हो गया। आइए फ्रेंड्स अब इस स्टोरी के अंत में चलें। एंड और ही लॉस्ट द लाइट ऑफ हिज आईज, ही मींस वह, पीछे आइए हिज आईज अपनी आंखों, की का हिंदी हो ऑफ को हिंदी में कहते हैं की, और
light means roshni or lost means kho diya. He lost the light of his eyes. Woh apni aankhon ki roshni kho diya. Aaiye friends, aage translation karte hain. Now, he could see nothing. Sabse pehle likha hai he, aap likhiye woh. Piche aaiye. Nothing, kuch nahi. See means hota hai dekhna. आप लिखेंगे देख और could be सोता है सकता था. Now he could see nothing. अब वह कुछ नहीं देख सकता था. और ये complete हुआ. आइए friends अब इसको translate करते हैं. Even then फिर भी या अब भी both loved each other. Both means दोनों. पीछे आइए each other एक दूसरे को या एक दूसरे से loved यानी मोहब्बत करते थे या प्यार करते थे. Even then अब भी both loved each other दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे. Finally अंततः the girl died लड़की मर गई. सबसे पहले लिखा था the girl, मैंने लिखा लड़की और पीछे लिखा था died यानी मर गई. Finally the girl died अंततः लड़की मर गई. यहां देखिए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करेंगे. द बॉय वेंट ऑन वीपिंग इन हर मेमोरीज टिल मेनी डेज. आइए फ्रेंड्स इसको ट्रांसलेट करते हैं. द बॉय यानी लड़का पिछाइए मेनी डेज कई दिनों और आगे आइए टिल तक इन हर मेमोरीज उसकी यादों में और वीपिंग का मतलब होता है रोना. लेकिन फ्रेंड्स went on weeping का मतलब होता है रोता रहा. Spoken का एक टॉपिक है friends, go on या went on. और इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है keep on, जिसका सेंस होता है कोई काम लगातार चलता रहता है या चलता रहा. मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को देखिए. आप go on plus ing form या keep on plus ing form के बारे में डिटेल से जानेंगे. तो went on plus ing form का हिंदी अर्थ होगा रोता रहा. लड़का कई दिनों तक उसकी यादों में रोता रहा. आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें. He decided to leave the village. He means वह पिछाइए the village गांव, leave means छोड़ना और decided तय किया या फैसला किया. He decided to leave the village. वह गांव छोड़ने का फैसला किया या वह गांव छोड़ने का तय किया. His neighbors asked him. चलिए फ्रेंड्स इसको ट्रांसलेट करते हैं. His neighbors उसके पड़ोसी पीछे आइए. He means उससे और asked का मतलब होता है पूछे. उसके पड़ोसी उससे पूछे Where will you go? फ्रेंड्स यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है और मैंने जो अभी आपको ट्रिक बताया ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए था. अगर आप इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस को ट्रिक से ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जहां मैंने हर टाइप के क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हु, व्हिच, हुम, हूज, How far, so on. सभी तरह के क्वेश्चन वर्ड पर मैंने ट्रांसलेशन सिखाया है. तो अगर आप इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस को ट्रिक से जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए. आप बड़े आसानी से सीख जाएंगे कि किसी भी तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है. चाहे वो किसी भी टेंस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे फ्रेंड्स. Where will you go? तुम कहां जाओगे? फ्रेंड्स यहां आप सोच सकते हैं कि मैंने इसको एक्सप्लेन करके नहीं बताया कि पहले कौन वर्ड लिखा जाएगा या बाद में कौन लिखेंगे. तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. यू आर ब्लाइंड यानी तुम अंधे हो कैसे ट्रांसलेट होगा? जो वर्ड सबसे पहले उसका अंग्रेजी एक नंबर, बाद वाला का अंग्रेजी दूसरे नंबर पर और बीच वाला का अंग्रेजी तीसरे नंबर पर. यू मीन्स तुम, ब्लाइंड मीन्स अंधे और आर मीन्स हो. हु विल हेल्प यू, तुम्हें कौन मदद
करेगा। ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसका यूज मैंने पार्ट 19 यानी इस वीडियो में बताया है। ही रिप्लाइड, ही मींस वह, रिप्लाइड मींस जवाब दिया, वह जवाब दिया। आई कैन सी यू, मैं तुम लोगों को देख सकता हूँ। आई मींस मैं, इसे आइए। यू मींस तुम या तुम लोग। सी मींस देखना और कैन मींस सकता हूँ। आई कैन सी यू, मैं तुम लोगों को देख सकता हूँ। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें। इसको भी हम वैसे ही ट्रांसलेट करेंगे, जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी सबसे पहले, जो वर्ड दूसरे नंबर पर है उसका अंग्रेजी तीसरे नंबर पर, और जो वर्ड बीच में उसका अंग्रेजी दूसरे नंबर पर। आई मीन्स मैं, नेवर ब्लाइंड यानी कभी अंधा, और वाज का मतलब होता है था। आई वॉज नेवर ब्लाइंड, मैं कभी अंधा नहीं था, यानी मैं कभी अंधा था ही नहीं। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें। सबसे पहले लिखा है आई यानी मैं, पीछे आइए लिखा है ब्लाइंड यानी अंधा। बी मिस होता है होना, यहाँ लिखा है टू, हम लिखेंगे कि, और ट्रीटेड का मतलब होता है बहाना करना, लेकिन यहाँ सेकेंड फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे बहाना किया। आई प्रिटेंडेड टू बी ब्लाइंड, मैं अंधा होने का बहाना किया। सो दैट, ताकि, सबसे पहले लिखा है आई, हम लिखेंगे मैं, पीछे आइए हर लव उसका प्यार, और गेट का मतलब होता है पाना। कुड मिस होता है सका या सकूं। आई कुड गेट हर लव, मैं उसका प्यार पा सकूं। एंड यानी और, आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें। आई मीन्स मैं, पीछे आइए हर ग्रीव उसकी तकलीफ या उसकी गम, शेयर बांटना बांट, कुड सकूं। एंड आई कुड शेयर हर ग्रीव, और मैं उसकी गम बांट सकूं। तो फ्रेंड्स यहां मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इस स्टोरी में जो कैरेक्टर थे वो, पहला द बॉय, दूसरा द गर्ल, तीसरा द नेचर, और चौथा द नेबर्स, कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसका कैरेक्टर आपको सबसे अच्छा लगा, कौन आपको ज्यादा इमोशनल किया। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे अभी शेयर करिए मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं आपके लिए रोज एक नया लेसन ला सकूं। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।